जो लुधियाना दे विच एक अजिही संस्था है जो पिछले 30 सालों तो जरूरतमंद विधवावां लई काम करदी आ। असी हर महीने 700 परिवारों नूं 700 फैमिलीज़ नूं 600 रुपीज़ पर मंथ का राशन देने हैं और ये संस्था 30 साल तो चल रही है। 13/2/1994 में स्टार्ट हुई थी तो गुरु नानक साहब की कृपा नाल हाले तक चली जा रहा है। जिथे बहुत वड्डा सेवा का यज्ञ है 700 विधवा बीबिया के परिवारों नूं राशन देना, वो परिवार बच्चे छोटे बीबी विधवा पति का साया सिर ते नहीं, उन्हां नूं तुहाडे दित्ते दसवंध नाल संगत जी उन्हां नूं राशन मिलता है। तो एक वड्डी होर गल है कि इत्थे ना कोई जात पात नहीं है, जे कोई बीबी आ रही है राशन लैण लई चाहे वह जिस मर्जी धर्म रिलेटड है उन्हूं ना नहीं की जाती। सानू इस गल का माण है कि अज एक अज तक एक भी कोई बीबी असी वापस नहीं भेजी जिहड़ी साडे कोल आई है। तो नाल इत्थे लोड़वंद बच्चियां नूं फ्री सिलाई कढ़ाई सेंटर, फ्री कंप्यूटर सेंटर, फ्री कीर्तन सिखलाई ते होर भी सतगुरु जी बेअंत सेवावां लै रहे ने। कई बीबियां साडे कोल राशन लैंदियां सी ते अज कल सानू उह चंदा दे रही हैं। ये सारा जो चल रहा है संगत के सहयोग नाल, संगत के दिते हुए चंदे नाल ही चल रहा है। साड़ी तुहाडे अगे बेनती है कि अगर तुहाडे आले दुआले कोई इहो जी बीबी होवे जिहदे बच्चे छोटे होण, गरीबी वाली हालत होवे ते विधवा होवे, उह साडे कोल भेजो। असीं उहनूं कोशिश करांगे कि हर तरह नाल सहयोग दईए, राशन भी देवांगे। बाबे नानक दी धरती पंजाब और पंजाब दी इस धरती ते बाबे नानक दीयां सिख्यावां लैके अज भी कई संस्थावां ने जो कि बाबे नानक दीयां सिख्यावां ते अज भी चल रहियां ने। बाबे नानक दा स्टार्ट कीता होया लंगर अज भी पूरी दुनिया दे विच वेखण नूं मिल रिहा, जिथे अलग अलग संस्थावां दे वल्लों हर रोज़ अजिहे हीले कीते जांदे ने कि जरूरतमंदां और गरीब परिवारां दी मदद कीती जावे। लुधियाना लाइव के दर्शकों लई अज भी अजिही एक स्टोरी लैके आए हैं जो लुधियाना दे विच एक अजिही संस्था है जो पिछले 30 सालों तो जरूरतमंद विधवावां लई काम करती है और उन्हां दे हर मौके पर काम आने लई इस संस्था के वलों कोई ना कोई हीला किया जाता वै। राशन देने तो इलावा इत्थे इस संस्था के वलों सिखलाई जिहड़ी कि स्विंग की सिखलाई है, सिलाई की सिखलाई है, उस तो इलावा कंप्यूटर सेंटर है, म्यूजिक की अकैडमी भी चलाई जाती है। मैं गल कर रहा हैं बीबी पानी जी भलाई केंद्र चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि लुधियाना के मॉडल टाउन के विच स्थित है और इस ट्रस्ट के संचालक साडे नाल मौजूद ने। सत श्री अकाल सर। सर की कहना चाहोगे किन्ने सालों तो यह संस्था काम कर रही है और इस संस्था के मुख्य काम की ने? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप बीबी भानी जी भलाई केंद्र चैरिटेबल ट्रस्ट के विच सारी संगत खलोती है, बीबियां राशन लै रही हैं। ये कृष्णा चैरिटेबल हस्पताल के पिछले पास 42 नंबर बिल्डिंग है। इस दे विच असी हर महीने 700 परिवारों नूं 700 फैमिलीज़ नूं 600 रुपीज़ पर मंथ का राशन देने हैं और ये संस्था 30 साल तो चल रही है। 13/2/1994 में स्टार्ट हुई थी तो गुरु नानक साहब की कृपा नाल हाले तक चली जा रहा है। इस संगत का सहयोग तो गुरु नानक साहब की कृपा, उन्हों की कृपा नाल चल रहा है। कोई भी असी अज की सानू इस गल का माण है कि अज एक अज तक एक भी कोई बीबी असी वापस नहीं भेजी जी साडे कोल आई है, जो पैरामीटर से पूरा उतरती है भी विधवा होवे ते बच्चे छोटे होण, गरीबी वाली हालत होवे, उन्हों असी बगैर किसी सिफारिश तो राशन हर महीने दिने। उसकी इनकुआरी की जाती है, जो सानू लिख के दिंदी है एप्लीकेशन भरती है, उसकी इनकुआरी करके असी गवर्नमेंट वांगू राशन कार्ड बना दें। जिन्हों के राशन कार्ड बन जाते हैं जब तक अप्लाई केंद्र चल रहा या उन्हों की हालत बीबी की ठीक नहीं हो जाती, कमाई का साधन नहीं कोई बनता, उन्होंने राशन असी बंद नहीं करते। तो दूसरी गल यह है भी सानू होर साड़ी खुशी की गल है, कई बीबियां साडे कोल राशन लैंदियां सी ते अज कल सानू उह चंदा दे रही हैं। ये सारा जो चल रहा है संगत के सहयोग नाल, संगत के दिते हुए चंदे नाल ही चल रहा। तो सानू 30 सालों से हाले तक कोई भी मोनीटरी प्रॉब्लम नहीं आई, संगत का बहुत पूरी तरह सहयोग है। इस दे विच हर इतवार नूं असी कीर्तन करते हैं अलग अलग घरों के जो कोई कराना चाहे, तो शुक्रवार नूं इत्थे भलाई केंद्र समागम होंदा है, वो डिटेल तुहानूं साडे सत्कारयोग वीर जी भाई तजिंदर सिंह जी दस देंगे। तो दूजी गल ये है भी
ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੀਬੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ, ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ, ਕੋਈ ਕਰੋਕਰੀ, ਕੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 22 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, 80G ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਪਾਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਵਿੰਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੈ ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨੀਏ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਯੱਗ ਹੈ, 700 ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ, ਬੀਬੀ ਵਿਧਵਾ, ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੇਕੇ ਸਹੁਰੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਈ ਮਦਦ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿੱਥੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੀ 3 ਤੋਂ 5 ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਸਮਾਗਮ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸੰਡੇ ਵੀਕਲੀ ਸਮਾਗਮ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇ ਹੋਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੜੀਆ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਸੈਂਟਰ, ਫਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ, ਫਰੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਲਾਈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਦਸਵੰਧ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
पहले तो जो तुम आए हो इतने लुधियाना लाइव तो शुकराना है वीरां दा तुहानू मिल के सानू अच्छा लग्या तुसी एक जिहड़ा प्रचार कर रहे हो जिहड़ा सुनेहा है एक सेवा दा तुहाडे माध्यम राही हरेक कोल पहुँच रहा है लुधियाना लाइव दे वीरां दा पहले मैं धन्यवाद करना चाहवांगा जिन्होंने असीं बुलाया इत्थे पुज्जे ने। दूजी गल यह है कि इत्थे जिहड़ी सेवा चल रही है राशन बिल्कुल फ्री दिता जा रहा है वो सारे वीरां ने तुहानू दस्सिया हरभजन सिंह जी जो साडे मैनेजिंग ट्रस्टी ने मेन। तो एक वड्डी होर गल है कि इत्थे ना कोई जात पात नहीं है जे कोई बीबी आ रही है राशन लैण लई चाहे वह जिस मर्जी धर्म रिलेटड है उन्होंने ना नहीं की जाती बस जो इन्होंने दसिया तो मेरे तो पहला भी कि वो जो राशन लैन लिए आई है जो दे कोल डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाए क्यों थोड़ी जी रखी है भी बीबी विधवा हो बच्चे छोटे होन राशन दिता जाता है बिना वितकरे तो और तकरीबन लगभग 29 साल तो ये महाराज सेवा लै रहे हैं संगत के सहयोग न ही भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी महापुरुष अमृतसर तो ने जोड़े इतने मेन मुख प्रबंधक ने इत्थे भाई हरभजन सिंह जी जो सारा देखभाल साढ़े सारे वीर रल मिल के सारा अपना सिर पर हाथ रख के साढ़े को सारी सेवा गुरु साहब लै रहे हैं जी। सो इस संस्था तो मदद लैन तो बाद कई महिलावान जरूरतमंद महिलावान अज अपने पैरों पर खड़ के अपने परिवारों का पालन पोषण कर रही ने उन्होंने बच्चे भी बड़े हो के उस तरीके अपने परिवार का सहयोग कर रहे हैं और इस संस्था तो किसी वेले जिन्होंने कोई मदद लती सी अज बच्चे अपने जो कामों के सैटल हो गए उही महिलावान इस संस्था नू भी कुछ ना कुछ चंदा दे के जांदियां ने। सो जिस तरह तुसी भाई साहब कोलों सुनिया पिछले 30 सालों तो अणगिनत परिवारों की मदद कर चुकी है बीबी भानी जी भलाई केंद्र। सो इस संस्था के वलों अणगिनत परिवारों की अज तक पिछले 30 सालों तो मदद की जा चुकी है हालांकि अज भी जो इन की शुरुआत हुई सी तो चार पाँच परिवारों तो चार पाँच बीबिया तो शुरुआत हुई सी चार पाँच बीबिया पहले दौर दे आईया सन और उन्हों की मदद की गई सी और अज तकरीबन 700-800 बीबिया इतने आके हर महीने राशन जोड़ा उन्होंने वंडिया जाता और इस तरीके दे नाल संस्था के वलों उपराले ने जोड़े अलग अलग किए जाते हैं हालांकि संस्था के मुखिया वालों ये कहना वा कि अगर कोई जरूरतमंद महिलावान या कोई जरूरतमंद परिवार हैं वो भी इन्हों आके संपर्क कर सकते हैं ता जो ये संस्था उन्हों की मदद कर सके। सो इस तरह अगलिया तस्वीरों के नाल भी रूबरू करवाते रहेंगे फिलहाल मैनू दे इजाजत कैमरामैन राहुल कश्यप के नाल अरुण कौशल की खास रिपोर्ट वेखते रहो लुधियाना लाइव।